स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब लोग मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। आज बहुत ही पावन दिवस है, सबसे पावन दिवस है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और आज के दिन जो कुछ थोड़ी सी भी भक्ति हम लोग करेंगे उसका हमें लाभ हजारों गुना ज्यादा प्राप्त होगा। यानी अभी हम लोग कीर्तन में भाग ले रहे थे तो पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दामोदर सखा प्रभु का, जो हमारे इस्कॉन रीवा के सेंटर मैनेजर हैं, और उनके टीम का कि इतना सुंदर आयोजन जो है उन्होंने किया है जन्माष्टमी। ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे टीम को। और मैं ये भी देख रहा हूँ, मैं करीब 2 साल बाद रीवा अभी आ रहा हूँ। मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश घूमता रहता हूँ और मध्य प्रदेश में इस्कॉन के इस्कॉन का प्रचार और इस्कॉन के मंदिर ये सब बढ़ाने का प्रयास हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। तो पहली बार हम लोग कुछ साल पहले रीवा जब आए थे तो एक बहुत छोटे से संख्या में भक्त लोग जमे थे, बहुत छोटे से संख्या में, और रीवा में सबको पता भी नहीं था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि इतने बड़े ऑडिटोरियम में जन्माष्टमी मनाई जा रही है, इतने सुंदर तरीके से मनाई जा रही है और इतने सारे लोग जो है इकट्ठे हुए हैं, तो इस्कॉन रीवा जो है वो एक मत्स्य अवतार की तरह बढ़ रहा है। सब लोग जानते हैं मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार क्या है? भगवान के वो अवतार जो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। मत्स्य अवतार यानी है ना, भगवान जब मत्स्य अवतार के रूप में आए थे छोटे से थे और वो बड़े होते गए, बड़े होते गए। उसी तरह से इस्कॉन रीवा भी जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हाँ, एक बार तालियां होनी चाहिए इस्कॉन रीवा की। बाकी सारी चीजें भी बढ़ रही है, वैसे रीवा भी डेवलप हो रहा है, मैंने देखा बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। माया भी जो है बढ़ रही है, तो माया से अगर जीतना है तो कृष्ण को बढ़ाना होगा। हमारा मिशन यही है कि हर एक घर में गीता और भागवत का जो संदेश है वो पहुंचे। इसलिए जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाई जानी चाहिए। जितनी हम धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएंगे उतना ही कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण का संदेश और भगवान कृष्ण दोनों जो है हर घर में पहुंचेंगे। भारत में सब राम और कृष्ण को जानते ही हैं, लेकिन केवल जानने से काम नहीं होने वाला, या थोड़ी सी पूजा करने से काम नहीं होने वाला। भगवान के विषय में अच्छे से जानना जरूरी है और अपने जीवन में उनके आदेशों को उतारना जरूरी, तब जाकर हमें लाभ प्राप्त होगा। जिस तरह से अगर कोई जानता है कि किसी बीमारी का दवाई क्या है, लेकिन जब तक वो दवाई लेगा नहीं तब तक उसे लाभ नहीं होगा, उसी तरह से केवल जानना, और जानना भी ठीक तरह से जानना चाहिए। इसलिए हम लोग कीर्तन के साथ साथ प्रवचन रखते हैं ताकि हमें पता चले कृष्ण के विषय में। तो आज कुछ चीजें हम लोग देखेंगे जन्माष्टमी के उपलक्ष पर कि कृष्ण के विषय में, भगवान कृष्ण के विषय में कुछ चीजें हम लोग देखेंगे, कुछ सच हम लोग यहाँ पर गीता और भागवत से डिस्कस करेंगे। तो ये जो जन्माष्टमी है ये भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और ये
5,249th जन्माष्टमी है, राइट? जस्ट स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं मैं, 5,000, हम लोग कहते हैं ना कि 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण आए थे, तो एकदम प्रिसाइज एक्यूरेट जो साल है वो है 5,249 ईयर्स पहले भगवान जो है यहाँ पर धरती पर जो है जन्म प्रकट हुए थे ना, और जन्माष्टमी, पहली जन्माष्टमी जो है 5,249 यानी जो अगला साल है वो इस्कॉन और धूमधाम से मनाने वाला है 5,250th। ऐसे होता है ना वो 25 साल यानी सिल्वर जुबली, 50 यानी ना गोल्डन जुबली, ऐसे पता नहीं 50 गोल्डन जुबली है या आई थिंक सो है ना, 75 इज प्लैटिनम जुबली, ऐसे होता है ना 25 का, तो 250 जो है अगले साल रहेगा 5,250th, तो और ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा, आप लोग प्लीज तैयार रहिएगा, है ना, प्रयास करना चाहिए उस टाइम पे, एक दिन जन्माष्टमी नहीं कई दिन होने चाहिए जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन। तो जब भगवान आए तो 125 साल 125 ईयर्स भगवान जो है वो धरती पर थे, लीला किए 125 ईयर्स। तो कुछ चीजें हम लोग अभी देखेंगे, who's moving the slides now? Yeah, thank you. His divine grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, परम पूज्य श्री श्रीमद A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada जी, जो इस्कॉन के फाउंडर गुरु, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, जिन्होंने इस्कॉन का फाउंडेशन रखा, US में, अमेरिका में उन्होंने ये संस्था शुरू की और फिर पूरे विश्व में उसको फैला दिया। आज श्री प्रभुपाद जी के कारण 150 देशों में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, ये छोटी सी बात नहीं है। आजकल इतना प्रॉब्लम हो गया है कि भारतीय लोगों को समझाना जन्माष्टमी के विषय में ये कष्टदायक हो गया है, भारतीय जो है वो वेस्टर्न बन रहे हैं, लेकिन 150 देशों के नागरिक जो है जन्माष्टमी मना रहे हैं टुडे राइट नाउ। जहां जहां इस्कॉन है पूरे 650 सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड धूमधाम से मनाई जा रही है, और आपको यह आश्चर्य होगा जानकर कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो 200 साल हमारे ऊपर राज किए, उनके पार्लियामेंट में जो है जन्माष्टमी मनाई जाती है। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। तो ये सब इस्कॉन के चलते हो रहा है, ये सब श्रील प्रभुपाद जी के चलते हो रहा है। तो आज हम लोग जो कुछ डिस्कस कर रहे हैं वो सब श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों से जो है ली गई है। बाहर स्टॉल्स होंगे, श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक डिस्प्ले पर होंगे। मेरा निवेदन सबसे ये है कि आप लोग वो पुस्तक लीजिए और पढ़िए, और कृष्ण भक्ति के विषय में और ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों से। तो आज भी हम जो कुछ डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ प्रभुपाद जी के पुस्तकों से है। क्लिक। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स, जन्माष्टमी का महोत्सव, ये महिमा क्या है, क्यों हमें भगवान के जन्म के विषय में जानना चाहिए? तो भगवान कृष्ण स्वयं जो है अपने जन्म तिथि को मनाने का आदेश देते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे जन्मदिन को मनाया जाए। तो क्यों? तो भगवान ये कहते हैं गीता में, जन्म कर्म च वे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मानयति मामेति स्वर्जुना। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म, हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म, एक्चुअली भगवान का कोई कर्म नहीं है, लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं, लीला और कर्म में अंतर है। हम लोग जो करते हैं वो बाध्य होकर करते हैं, हमें करना ही पड़ता है, लेकिन जो भगवान करते हैं वो लीला है, वो स्व इच्छा से करते हैं। तो भगवान के जन्म और कर्म, ये दो, जन्म कर्म चमे दिव्यम, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है,
वो साधारण नहीं है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इस चीज को, इन दोनों चीजों को समझेगा, मेरे जन्म के विषय में और मेरे लीला के विषय में, क्या कि वो दिव्य है, जो ये ठीक तरह से समझेगा, वेत्ति तत्वतः ठीक तरह से अच्छे से समझेगा, तो उसे क्या लाभ होगा। त्यक्त्व देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना, हे अर्जुन, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से जो है छूट जाएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जितने भी कष्ट है इन सब से छूट जाएंगे, उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा, वो मेरे धाम में प्रवेश करेंगे और नैति फिर से जो है इस भौतिक संसार में, दुख भरे संसार में आना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए भगवान के जन्म और कर्म दोनों के विषय में सही सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिन्हें सही सही ज्ञान नहीं होगा, जो ये सोचते हैं कि भगवान का जन्म भी हमारे जैसा है, भगवान भी हमारे भगवान, तो वो भी हमारी तरह ही साधारण थे, उनका जन्म भी साधारण था, वो जो कुछ भी करते थे वो भी चलो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल थे, अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो वो कभी भी जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल नहीं सकता। ये बहुत जरूरी है, हम सब कष्ट से दूर होना चाहते हैं, तो इसलिए भगवान के जन्म और लीलाओं के विषय में अच्छे से पता होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो एक चीज़ और जो है फेस्टिवल्स, राइट, बहुत फेस्टिवल्स क्या होते हैं, है ना, फेस्टिवल होली डे होता है, होली डे हमने बना दिया, लेकिन क्या होता है वो होली डे यानी क्या है, त्योहार, त्योहार यानी क्या होता है, पहले आजकल त्योहार कैसे बन गया है कि हमें एंजॉय करना है बस, लेकिन त्योहार है क्या, त्योहार एक्चुअली दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, राइट, तो अधिकतर इंडिया में जो त्योहार है वो एक्चुअली भगवान के गुणगान के लिए है, वो भगवान के दिन है, राइट। दुर्भाग्य से अभी क्या हो रहा है कि भगवान को साइड में रखा जा रहा है और सिर्फ डीजे बजता रहता है, फिल्मी गाने बजते रहते हैं, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो या कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, तो बस भगवान को साइड पर रखा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो त्यौहार जो है वो भगवान के दिन होते हैं, जैसे जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए है, जो भी मनाया जाना चाहिए, जैसे यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जन्माष्टमी एवरी डे, ये चीज बहुत कम लोगों को पता है। श्री प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताए, प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान कृष्ण जो है वो हर एक ब्रह्मांड में जो है वो जाते रहते हैं, तो कई ब्रह्मांडों में, असंख्य ब्रह्मांड है, हमारा एक ब्रह्मांड नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्सेस, आजकल साइंटिस्ट भी ये डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीपल यूनिवर्सेस, तो मल्टीपल यूनिवर्सेस है, और भगवान कृष्ण जो है एक साथ कई ब्रह्मांडों में लीला करते हैं एक साथ। जैसे उदाहरण श्री प्रभुपाद जी देते थे कि कई कंट्रीज पे अभी राइट नाउ सूर्य जो है दिख रहा है, अभी हम हो सकता है अभी हम लोग अगर बाहर जाए तो सूर्य जो है नजर ना आए, तो कई कंट्रीज में रात होता है और कई कंट्रीज में दिन होता है, सूरज दिखाई देता है। उसी तरह से कई ब्रह्मांडों में भगवान कृष्ण की लीला जो है वो चलती रहती है, और कई ब्रह्मांडों में भगवान वहां पर नहीं रहते हैं, जैसे कि इस ब्रह्मांड में भगवान अभी नहीं है, वो आए और चले गए, जैसे सूर्य आते हैं चले जाते हैं, है ना, रात होती है फिर, तो उसी तरह से कई ब्रह्मांडों में अभी राइट नाउ भगवान की लीलाएं चल रही है, यानी किसी ब्रह्मांड में अभी भगवान जन्म ले रहे हैं राइट नाउ, यानी अभी जन्माष्टमी हो रही है, एक्चुअली भगवान जो है प्रकट हो रहे हैं अभी राइट नाउ। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे एवरी डे इज जन्माष्टमी, अभी राइट नाउ कहीं पर भगवान कृष्ण जो है गोवर्धन उठा रहे हैं, यानी गोवर्धन लीला अभी चल रही है,
किसी ब्रह्मांड में अभी राइट नाउ भगवत गीता सुनाई जा रही है, किसी ब्रह्मांड में भगवान जो है रास लीला कर रहे हैं एक्चुअली। अरे वो बाद में माफ करेंगे काम। तो ये सारे इसलिए भगवान के लीलाओं को नित्य लीला कहा जाता है। नित्य लीला यानी वो नित्य चलते रहते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रह्मांड में। तो राइट नाउ जन्माष्टमी इज गोइंग ऑन राइट। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग 5249 साल पहले जो है भगवान आए थे और अभी हम लोग जो है उनका जस्ट जन्मदिन मना रहे हैं। नहीं, अभी राइट नाउ भी भगवान जो है कहीं ना कहीं जन्म ले रहे हैं। जन्माष्टमी अभी हो रही है राइट नाउ है ना। हाँ, तो ये एक साइंटिफिक ये मतलब फैक्ट है, ये शास्त्र में दिया हुआ है राइट। नेक्स्ट, कृष्णा सुप्रीम। सो जन्माष्टमी इज नॉट जस्ट अनदर फेस्टिवल, यानी भगवान जो है वो किसी और की तरह नहीं है, भगवान स्पेशल है। भगवान और देवताओं में अंतर बताया गया है। हरि बोल, हरि गोपाल जी की जय। हम सुने हैं कि जब भी देवताओं को कोई प्रॉब्लम आता है, और कई बार प्रॉब्लम आता है, ये भौतिक जगत ऐसा है कि देवताओं को भी प्रॉब्लम आता है। मनुष्य तो छोड़ो, देवता भी परेशान हो जाते हैं इस भौतिक संसार में। देवता देव असुर संग्राम चलता रहता है, और कभी कभी इतनी प्रॉब्लम आती है देवताओं को कि हिरण्यकशिपु या कोई असुर भगा देते हैं देवताओं को स्वर्ग लोक से, और बेघर हो जाते हैं देवता। इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, और जब भी ऐसा होता है तो सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी, शिव जी और सारे देवता मिलकर क्षीर सागर के तट पर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि आप आइए, अवतार लीजिए और इन असुरों को मारिए जिन्हें हम मार नहीं पा रहे हैं। भगवान कृष्ण जब आए तो बहुत सारे असुरों को मारे, लेकिन कौन से असुरों को मारे? उन असुरों को मारे जिन्हें देवता तक मार नहीं सकते थे, कंस, पूतना, त्रिणावत, जितने भी असुर थे वो स्पेशल असुर थे। भगवान ऐसे वैसे असुर को मारने नहीं आते। तो जो जो देव सारी पूरे देवता मिलकर भी मार नहीं सकते जिस असुर को, उसे मारने भगवान आते थे। इसलिए क्या होता था, जब भी भगवान कृष्ण किसी असुर को मारते थे, पूतना को मारे, किसी को मारे, तो ऊपर से जो है देवता जो है वो फूल वर्षा करते थे कि ओ एक टेंशन हमारा खत्म हो गया, भगवान ने मार दिया। तो भगवान स्पेशल है। हम देखते हैं जब लक्ष्मी जी आई थी, प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से, तो वो वरमाला लेकर जो है जा रही थी, और वहां पर सारे मुख्य देवता जो उपस्थित थे, सारे मुख्य असुर भी वहां पर उपस्थित थे। देवी देवता सारे थे और असुर भी थे, लेकिन किसी को भी वरमाला लक्ष्मी जी ने नहीं पहनाया समुद्र मंथन में। किसे पहनाया? सबको पता है हा? भगवान को पहनाया। भगवान भगवान विष्णु वहां पर थे, उन्हें जो है वरमाला पहनाया। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि भगवान का पोजीशन जो है वो देवी देवताओं से ऊपर है। भगवान कृष्ण जो है वो भगवत गीता में दिखाए गए, विराट रूप जब दिखाए तो अर्जुन जो देखे, अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने सारी जितने भी देवी देवता है सबको विराट रूप में देखा। भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। तो भगवान स्पेशल है, इसलिए जन्माष्टमी भी स्पेशल है। क्लिक ओके। कृष्ण इज नॉट जस्ट अमेज़न का मालिक, या फिर कभी एलन मस्क। तो रिचेस्ट पर्सन ये है, सबसे अमीर व्यक्ति ये है, लेकिन वो अमीर व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस संसार में, इस दुनिया में जितनी भी दौलत है वो सब मेरी है, वो नहीं कह सकता।
लेकिन कृष्ण कह सकते हैं, कृष्ण जो है वो केवल बेस्ट नहीं है हर चीज में, बल्कि जितने भी ऐश्वर्य है इस पूरी दुनिया में वो सब कुछ भगवान से आ रहा है। भगवान कहते हैं हम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भावा समान्विता। हे अर्जुन सब कुछ मेरे से आ रहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, आई एम द सोर्स। जैसे हिरण्यकशिपु एक दिन प्रहलाद महाराज से पूछे, प्रहलाद जो है छोटा सा बच्चा था और हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, यहां तक देवी देवता भी उनके अंडर थे। हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किया प्रहलाद को मारने का, लेकिन वो मार नहीं पाए। हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किया मारने का, एक छोटे से बच्चे को मारने का, लेकिन मार नहीं पाए। तो उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हारे पीछे कौन सी शक्ति है, कौन तुम्हें बचा रहा है, तुम्हारे शक्ति का स्तोत्र क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर पावर, क्यों कोई मार नहीं पा रहा है तुम्हें, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर पावर, आपके पावर का सोर्स क्या है, यह हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा। तो प्रहलाद कहते हैं उस समय कि मेरे पावर का सोर्स तो छोड़ो, आपके भी पावर का सोर्स सेम है, सबके पावर का सोर्स जो है वो सेम है, एक ही व्यक्ति है और वो है भगवान। तो कृष्ण इज नॉट जस्ट द बेस्ट बट द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, जितने भी ऐश्वर्य है। दसवें अध्याय में गीता में भगवान कहते हैं यद्यत विभूतिमत सत्वम, जितने भी विभूतियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो सब मेरे से प्रकट होती हैं। तो स्पेशल पोजीशन है भगवान का। क्लिक, गॉड डज नॉट डिपेंड ऑन हिज पावर्स, हिज पावर्स डिपेंड ऑन हिम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली क्या होता है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता है तो वो अपने शक्ति, उनकी शक्तियां उन पर निर्भर है। भगवान को अपनी शक्तियों की भी एक आवश्यक, बियॉन्ड क्रिएशन क्रिएटर मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर। तो भगवान कृष्ण में हमें ये चीज देखने को मिलता है। भगवान कृष्ण ने एक बार, एक जो फॉरेनर है वो इंडिया में आए और वो इंडिया में अलग अलग मंदिर में जा रहे थे, राइट। तो जब वो भगवान, जब वो भगवान कृष्ण में आए तो वो बोले, फॉरेनर जो है देख बोले ये भगवान। तो किसी ने पूछा क्यों भाई, तो बोले मैं जहां जहां जा रहा था मैं देख रहा था कि कोई सृष्टि करता। बोले मैं पुष्कर गया ब्रह्मा जी के मंदिर में, तो देखा ब्रह्मा जी जो है वहां पर सृष्टि करने का काम कर रहे हैं, भगवान विष्णु जो है पालन करता है, पालन कर रहे हैं, और शिव जी जो है वो संहार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ये तो केवल बांसुरी बजा रहे हैं, राइट। ये तो केवल रम रहे हैं, बोले ये जो है राइट, ही सिंपली एंजॉयिंग, राइट। तो ये जो है स्पेशल पोजीशन है। सो हु इज गॉड व्हेन ही इज नॉट गॉड। तो भगवान के जितने वृंदावन में लीला है, वृंदावन में कृष्ण जो है वो भगवान की पर्सनालिटी नहीं दिखाते हैं। वृंदावन में जो गोप गोपियां हैं वो भगवान कृष्ण को भगवान जैसा ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। वहां पर तो भगवान के साथ युद्ध होता है, लड़ाई करते हैं, कुश्ती करते हैं, खेलते हैं। तो ये चीजें जो है, ये भगवान की, यानी वृंदावन भगवान का घर है, जहां वो कोई और चीजें नहीं कर रहे हैं, केवल अपने जो स्पेशल लीलाएं हैं वो कर रहे हैं। क्लिक अगेन।
कृष्णास ग्रेटनेस वर्सेस कृष्णास स्वीटनेस, दो चीजें हैं. एक भगवान का भगवत्ता है, महानता है. भगवान कितने महान है, गॉड इज ग्रेट. गॉड इज ग्रेट, भगवान कितने महान है, भगवान की शक्तियां हैं, वो एक चीज है. और दूसरा है भगवान का जो स्वीटनेस है वो. कृष्ण जो है अधरम मधुरम हसितम मधुरम, ये आपने सुना होगा ये भजन. भगवान का हर चीज क्या है, मधुरम, मधुर है. तो एक है भगवान का मधुरता और दूसरा है भगवान का महानता. ये दोनों चीजें हैं. तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जब होता है तब भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होता है. जो भगवान का महानता है, ग्रेटनेस है, उसके कारण हम लोग वो जब जान जाते हैं. हम लोग कैसे जानते हैं, गीता और भागवत जब पढ़ते हैं, जो पहले 9 स्कंद है भागवत के और गीता के इतने सारे अध्याय हैं, उसमें हमें पता चलता है कि भगवान कितने महान हैं. और भगवान की जो महानता है वो जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे अंदर समर्पित होने की भावना आती है. जो समर्पण जब जो भावना आती है वो कैसी आती है, कि भगवान इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है, मैं भगवान के सामने कुछ भी नहीं हूं, तब जाकर समर्पित होने का भावना होता है. और अगर भगवान इतने महान है तो वो जरूर मेरा ख्याल रख सकते हैं. हम लोग ऐसे व्यक्ति को समर्पित नहीं होंगे जो हमारा ख्याल नहीं रख सकता. लेकिन अगर कोई अगर दूसरा आकर हमसे कह दे कि तुम जस्ट समर्पित, मैं मुझे समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तो हमें डाउट होगा. लेकिन भगवान इतने महान है, इतने महान है, तो हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ, हम अगर भगवान कृष्ण को समर्पित हो जाए तो भगवान हमारा ध्यान जरूर रखेंगे. तो ये है भगवान के महानता से जो है समर्पित होने की भावना आती है. और भगवान का जो मधुरता है उससे भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होता है, अफेक्शन, स्नेह जो है वो आता है. तो भगवान के लिए स्नेह और ये समर्पित भावना, ये जब मिल जाते हैं दोनों, तो फिर एक्चुअल भक्ति का भावना, भक्तिमय, प्रेममय भक्ति का भावना जो है वो जागृत होता है. तो ये दोनों चीजें जो है वो जरूरी हैं. दोनों चीजें जानना है, भगवान का महानता और भगवान का मधुरता, कृष्णस ग्रेटनेस एंड कृष्णस स्वीटनेस, ये दोनों जानना जरूरी है. हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं. ओके, कृष्ण भक्त वत्सल वर्सेस भगवान, राइट. भगवान कृष्ण जो है वो भगवान है, उनमें बहुत सारे गुण हैं, असंख्य गुण हैं, असंख्य शक्तियां हैं, लेकिन एक गुण जो है वो स्पेशल गुण है उनके अंदर, वो है भगवान की भक्तवत्सलता, भगवान की भक्तवत्सलता. तो जो भगवान की भक्तवत्सलता ये क्या है, तो गीता में भगवान एक श्लोक कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषी अस्तु न प्रियः, ये मजंती तु मां भक्त्या महिते तेषु चापेह. हे अर्जुन, मैं सारे समोहम सर्वभूतेषु, मैं सारे जितने भी जीवात्मा है उन सबके लिए सम हूं, उनके लिए इक्वल हूं. समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषु अस्ति न प्रियः, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं और कोई मेरे लिए प्रिय नहीं है, सबके लिए मैं इक्वल हूं. ये पहले दो लाइन है, लेकिन फिर क्या कहते हैं भगवान, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मेरा भजन जो करते हैं अर्जुन, मैं तेषु चापेहम, मैं उसके लिए भक्त वत्सलता प्रदान करता हूं. वो मेरे जो भक्त है वो मेरे लिए स्पेशल है, वो मेरे लिए स्पेशल है. तो कैसे स्पेशल है, जो भीष्म पितामह का जो संदर्भ है उसमें हमें पता चलता है, भीष्म पितामह ने प्रण लिया, प्रतिज्ञा ली कि कल, यानी ये 10वां दिन था, 10वां दिन जो युद्ध का 10वां दिन,
कल या तो अर्जुन रहेंगे या तो भगवान को अपना जो शपथ है वो तोड़ना पड़ेगा। भगवान ने क्या प्रतिज्ञा ली थी भगवान कृष्ण ने कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो बोले या तो वो प्रतिज्ञा भगवान को तोड़नी पड़ेगी या तो अर्जुन नहीं रहेंगे, दोनों में से एक कल जो है वो होगा। अब भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन हुआ क्या, जब भीष्म पितामह इस तरह से लड़े कि परेशान हो गए अर्जुन परेशान हो गए और ठीक तरह से लड़ नहीं पाए, और उस समय भगवान भी परेशान हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, लीला पुरुषोत्तम भगवान क्या परेशान हो सकते हैं? भगवान कैसे परेशान हो सकते हैं? यही प्रश्न आता है कि भगवान कैसे परेशान हो सकते हैं? भगवान परेशान नहीं होते हैं, कौन परेशान होता है ये प्रश्न है। कौन परेशान होते हैं? भक्त वत्सल, जो भक्तों के लिए जो वात्सल्य भाव रख रहे हैं, ये जो स्पेशल क्वालिटी है, तो कृष्ण जो है वो परेशान हो गए। उतना ही नहीं, दोनों और भक्त हैं, अर्जुन भी उनके भक्त हैं और भीष्म पितामह भी उनके भक्त हैं। भगवान अपनी भक्त वत्सलता कैसे दिखाते हैं? अपने भक्तों का जो प्रतिज्ञा है उसका रखवाला करते हैं, उसको रखते हैं, अपनी प्रतिज्ञा जो है वो तोड़ देते हैं। भगवान ये नहीं सोचते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा ली है और उसे मैं तोड़ रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे, ये नहीं सोचते हैं। भक्त वात्सल्य में अपने भक्तों के लिए इतना स्नेह रखते हैं भगवान कि अपने प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं भगवान, और भीष्म पितामह के प्रतिज्ञा को सच करने के लिए भगवान ने जो है चक्र उठा लिया। अब एक तरीके से ये है कि भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन एक तरीके से वो उठा भी लिए, अपने प्रतिज्ञा को तोड़ भी दिए, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़े, लेकिन भीष्म जो उनके भक्त है उनके प्रतिज्ञा को टूटने नहीं दिए। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परेशान हो जाते हैं अपने भक्तों के लिए। कृष्ण जो है वो अल्टीमेट जीपीएस है। कैसे भगवान जो है वो क्या है जीपीएस? जीपीएस सब लोग जानते हैं, जीपीएस अभी यहाँ पर इंडिया में भी जीपीएस जो है बहुत वो हो गया है, मतलब सब लोग यूज करने लगे हैं। विदेश में तो रास्ते में कोई दिखता ही नहीं है। मैं कुछ विदेश में न्यूजीलैंड इत्यादि जाता रहता हूँ, तो विदेश में ऐसा है कि रास्ते में केवल कारें दिखती हैं, बाहर कोई व्यक्ति दिखता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप अगर रास्ता अगर भटक गए हो तो खिड़की खोलकर किसी से पूछ सकते हो, कोई है ही नहीं पूछने के लिए। इसलिए जीपीएस के ऊपर पूरा निर्भर होना पड़ता है। तो भगवान भी अल्टीमेट जीपीएस की तरह है। क्यों? क्योंकि जीपीएस में एक खासियत है। क्या खासियत है? कि जितनी बार भी आप जो भटक जाओ रास्ता, लेकिन वो जीपीएस वहां से जो है अपना रास्ता बताएंगे आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए। कहीं पर भी चले जाओ, तो जो गूगल जीपीएस वो जो है ना, कभी माता जी होती है कभी ना, तो वो कहती है कि भाई आपने जो है गलत रास्ता लिया है, लेकिन चिंता मत करो, अब इस गलत रास्ते से सही रास्ते में कैसे आना है वो बताते हैं जीपीएस। उसी तरह से भगवान भी जो है, हम लोग कई जन्मों से जो है भटक रहे हैं, कई जन्मों से जो है हम लोग भगवान की ओर ना जाकर कहीं और जा रहे हैं, लेकिन हमें भगवान गीता और भागवत के माध्यम से ये बताते हैं कि आप कहीं पर भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप बस ऐसा ऐसा करो और आप मेरे पास फिर से वापस आ जाओगे। तो उसी तरह से भगवान जो है अल्टीमेट जीपीएस है। क्लिक। अब भगवान
अवतरित क्यों होते हैं? ये बहुत सुंदर एक कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी और बच्चे भक्त थे भगवान कृष्ण के। तो जन्माष्टमी का दिन था, विदेश में हमारा मंदिर है वहां पर, तो यूरोप में विदेश में एक मंदिर था और वो एक घर था, एक परिवार था जिसमें पत्नी और बच्चे भक्त थे भगवान कृष्ण के। और जो पति था वो भी नास्तिक नहीं था, लेकिन वो सोचते था कि परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो क्यों नीचे आएंगे हमारे लिए, वो क्यों नीचे आएंगे, वो क्यों अवतरित होंगे, ऐसा वो सोच रहा था। तो जन्माष्टमी का दिन था, उसकी पत्नी उसके पास आए और पत्नी आकर बोली कि अभी 12 बजने वाले हैं, जन्माष्टमी अभिषेक और महाआरती होने वाली है, क्या आप मंदिर आएंगे? तो तब उसने कहा कि नहीं, आप लोग जाओ, मैं तो घर में ही रहूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता कि सच में भगवान जो है वो नीचे आते हैं, अवतरित होते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता, वो क्यों आएंगे? तो ये 2 मिनट देख नहीं पाएंगे। हाँ बस बस बस, तो बहुत बहुत सुंदर कहानी, प्लीज अच्छे से सुनिए, है ना। तो पत्नी और बच्चे निकल गए मंदिर के लिए, कुछ आधे घंटे का समय बाकी था, 11:30 हो रहे थे, आधे घंटे का समय बाकी था, बस भगवान का जन्म होने ही वाला था। और ये जो व्यक्ति था ये पेपर लेकर जो है वो पढ़ने लगा बेडरूम में। उसने सोचा पत्नी और बच्चे आने तक मैं थोड़ा सा जगा रहूंगा। तो पेपर पढ़ रहा था, तब उसको सुनाई दिया तूफान, बाहर जो है पूरा बर्फ था, वैसे ही बर्फ था, वहां पे विंटर था, पूरा बर्फ था विदेश, तो बर्फ तो था ही लेकिन एक तूफान जो है वहां पर शुरू हो गया। हवा चल रही थी बाहर, बहुत ज्यादा हवा चल रही थी और बहुत बर्फ गिर रहा था, ओले गिर रहे थे, और फिर भी वो जो है पेपर पढ़ रहा था अपना। फिर उसे आवाजें सुनाई देने लगी, धड़ धड़ ऐसे आवाजें होने लगी। तो वो सोचा ये क्या आवाजें आ रही है, तो वो लिविंग रूम में आया, और लिविंग रूम में आया तो देखा खिड़की, उसका जो उनका जो खिड़की था वो ग्लास से बना हुआ था, नहीं ये सच्ची घटना है, तो ग्लास से बना हुआ था और उस खिड़की पर कुछ जो है वो टकरा कर गिर रहा था और आवाजें आ रही थी धड़। तो उसने सोचा देखकर बाहर जाकर देखता हूं ये क्या गिर रहा है खिड़की के ऊपर। तो जब बाहर गया वो, तो उसने देखा कि बहुत सारे पक्षी जो है वो तूफान से परेशान होकर वहां पर अंदर आने का प्रयास कर रहे थे घर के अंदर, और उन्हें वो खिड़की का जो ग्लास है, कांच है, वो दिख नहीं रहा था, तो वो अंदर आने का प्रयास करते थे, खिड़की से टकराते थे और नीचे गिरते थे, और बहुत सारे पक्षी थे। तो ये व्यक्ति जो था वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसमें दया भाव आया कि इन पक्षियों को कैसे बचाया जाए तूफान से, क्योंकि वो टकरा कर मर रहे थे और कुछ तो ऐसे ही गिर रहे थे तूफान से परेशान होकर। तो उसने सोचा कि इतने सारे पक्षियां हैं और हमारा छोटा सा घर है, घर में तो ये लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, लेकिन घर के सामने ही एक गौशाला था, वो जो गौशाला था वो उसके उस वो शेड था, गौशाला का शेड था। तो उसने सोचा अगर मैं पक्षियों को गौशाला के अंदर अगर जाने का अगर मार्ग बता दूं किसी तरह से तो वो बच जाएंगे। तो अब सोचा वो पक्षियों को कैसे मैं गौशाला के अंदर जो है लेकर जाऊं। तो उसने क्या किया, कुछ खाना लिया और खाना लेकर जो है वो डालने लगा। तो एक दो पक्षी आए गौशाला में लेकिन बाकी नहीं आए। तो सोच रहा था क्या करूं क्या करूं, तो कई प्रकार से उसने कोशिश की, प्रयास किया। एक बड़ा डंडा लिया उसने और सोचा डंडा लेकर मैं सारे पक्षियों को जो है भगा देता हूँ और गौशाला के ओर भगाता हूं ताकि वो गौशाला में प्रवेश करे और सुरक्षित हो जाए।
लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा था। वो डंडा देखकर दूसरे दिशा में भाग रहे थे पक्षी। अब ये व्यक्ति जो है वो परेशान हो गया और उसके सामने एक एक पक्षी जो है नीचे गिर रहा था और मर रहा था, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा दया की भावना आ रही थी और सोच रहा था कि बस वो गौशाला में जाए तो ये पक्षी बच जाएंगे, लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा हूं इन्हें। उस समय उसके दिमाग में, उसके मन में आ रहा था कि अगर मैं पक्षियों का भाषा अगर बोल सकता तो मैं इन पक्षियों को बचा सकता आज। फिर और एक बात उसके मन में आई, उसके मन में यह आया कि अगर मैं भी पक्षी होता अगर तो आज इन पक्षियों को मैं सब बचा लेता, इन पक्षियों को जो है गौशाला में लेकर मैं आराम से जो है जा सकता था अगर मैं पक्षी होता तो। और उसी समय ठीक 12 बजे थे और मंदिर की घंटियां जो है वो बजने लगी और शंख बजने लगा जोर जोर से, क्योंकि जन्माष्टमी का मुहूर्त हो गया था। और तो उसी समय भगवान कृष्ण के कृपा से उसके मन में ये बात समझ में आ गई। क्या मन में समझ में आ गया उसे? उसे ये समझ में आ गया कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं। उसे ये समझ में आ गया कि भगवान मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं हम सबको बचाने के लिए, ताकि वो हमारे बोली में, हमारे भाषा में जो है वो भगवत गीता का संदेश दे सके और हम सबको ये संदेश देकर बचा सके। तो अच्छे से जो है उसको समझ में आ गया और उस समय से वो, ये सच्ची घटना है, उसी समय जो है वो मंदिर चले गए और उस समय से जो है फिर वो भक्ति में जुड़े और हर जन्माष्टमी में वो फिर भाग लेने लगे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। और 5 मिनट लूंगा मैं सिर्फ, तो उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। कृष्णा अपीयर्ड इन द डार्केस्ट आवर इन मिडनाइट इन अ प्रिजन टू फ्री अस फ्रॉम प्रिजन। क्या है? 12 बजे रात को, 12 बजे रात को सबसे ज्यादा अंधेरा होता है ना, ये 7-8 बजे से अंधेरा होना शुरू होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मिडनाइट कहते हैं, 12 o'clock मिडनाइट सबसे ज्यादा अंधेरा 12 बजे रात को होता है। सबसे ज्यादा अंधेरे में भगवान प्रकट हुए और वो भी कहां प्रकट हुए? जेल के अंदर प्रकट हुए हम सबको इस जेल से बाहर निकालने के लिए। जेल में प्रकट हुए हम सबको इस भौतिक संसार के जेल से बाहर निकालने के लिए। गीता में भगवान कहते हैं ये भौतिक संसार एक जेल की तरह है और भगवान भी खुद जेल में प्रकट हुए और जैसे प्रकट हुए तो सारे दरवाजे खुल गए। तो बस हमें क्या करना है अभी? हमें भगवान को, जिस तरह से भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं उसी तरह से हमें भगवान को अपने हृदय में प्रकट करना है। भगवान को अपने हृदय में जो है वो असली जन्माष्टमी होगी हमारे लिए, जब भगवान जो है वो हमारे हृदय में प्रकट होंगे। लेकिन भगवान निर्मल स्थान पर प्रकट होते हैं, जहां अशुद्ध चीजें हैं वहां पर प्रकट नहीं होते हैं। अभी हमारा हृदय जो है वो निर्मल नहीं है, हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अनर्थ है, जो नहीं होना चाहिए।
देवकी के कोक में पहले बलराम जी आए, क्यों? बहुत कारण है, लेकिन एक कारण बताया जाता है कि भगवान कृष्ण के प्रकट होने से पहले देवकी के कोक को शुद्ध करने के लिए भगवान बलराम जी वहां पर प्रकट हुए। और जब बलराम जी प्रकट होकर अपना कार्य वहां पर करके वहां से ट्रांसफर हो गए रोहिणी के कोक में, तो बलराम जी जो है वो भक्ति के प्रतीक है, वो गुरु के प्रतीक है। तो गुरु के माध्यम से भक्ति का कार्य, जितने भी भक्ति के नियम और कानून पालन करके हम अपने हृदय को हम शुद्ध बनाएं ताकि भगवान जो है वहां पर प्रकट हो सके, ये हमारे लिए असली जन्माष्टमी होगी। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये आज के लिए लास्ट चीज है, कैसे भगवान प्रकट हुए। भगवान एक साधारण बालक की तरह प्रकट नहीं हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान के बहुत सुंदर केश थे और भगवान के आभूषण थे। कौन सा ऐसा बच्चा है जो केश और आभूषण इत्यादि लेकर पैदा होता है? और जब भगवान प्रकट हुए तो मुस्कुराए। कौन सा बच्चा है जो जन्म लेते ही मुस्कुराता है? सारे हम लोग जितने भी आए हैं इस संसार में, राइट, आते ही हमने क्या किया है? क्या किया हमने? रोया है। भौतिक संसार ऐसे ही है, रोने वाली चीज है। आते समय रोना है, जाते समय भी रोना है, और बीच में भी। लेकिन जब भगवान आए मुस्कुराए। कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपने मम्मी डैडी को कहता है, कुछ आदेश देता है पैदा होते ही? यहां पर तो भगवान प्रकट हुए और वसुदेव से कहते हैं चलो सेवा चालू कर दो। क्या सेवा है आपकी? आपको यहां से मुझे गोकुल ले जाना है। कौन सा बच्चा है जो मम्मी डैडी को कहेगा ऐसे? इसी से पता चलता है जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है। तो आज जन्माष्टमी का दिन है, बड़ी भक्ति भाव से हमें प्रार्थना करना चाहिए भगवान कृष्ण से कि हम लोग ठीक तरह से भक्ति कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम अच्छे से अच्छा प्रयास करें भगवान की भक्ति करने का, और गुरु के माध्यम से, दूसरे वैष्णव के माध्यम से, गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम से हम लोग एक दिन जो है भगवान को अपने हृदय में प्रकट करें। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन, आज का बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जल्द ही जल्द हमारे जीवन में ऐसा हो। ऐसा होने से हमारा जीवन जो है वो सफल होगा। बोलो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय, जन्माष्टमी महोत्सव की जय, श्री श्री राधा कृष्ण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Thank you.